हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन गुरुनीति एपिसोड में 27 में एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। तो मेरा नाम है रिंकिस कुमार गुप्ता और मेरे साथ है देवेंद्र सर। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, देखो द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर कोमा द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द टू मिनिमम ऑफ द कर्व। मतलब इस कर्व के जिन पॉइंटों पे क्या होंगे मिनिमल, उनके ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और कर्व से बाउंडेड बाय एरिया पर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मिनिमाइज की बात करते हैं। तो जब भी अपन को मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उसका डीवाई बाय डीएक्स आप फाइंड आउट करोगे। तो चलो अपन बात करते हैं डीवाई बाय डीएक्स की। तो इसका बच्चों डीवाई बाय डीएक्स क्या होगा, देखो ये आ गया x। तो देखो इसका डीवाई बाय डीएक्स क्या होगा, dy dx equal to होगा 8x cube minus 2x। तो then इसमें जब आप 2x common लेते हैं, 8x common लेते हैं direct, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया सर x square minus 1/4। तो then जब आप इसके factor करोगे क्या होंगे, 8x x minus 1/2 into x plus 1 into x plus 1/2। सीधा number line से देख लेते हैं क्योंकि इसके केस में number line बजाना ज़्यादा जी। फर्स्ट फैक्टर 0 पे 0 होगा, सेकंड फैक्टर 1/2 पे 0 होगा और थर्ड फैक्टर बेटा माइनस के हाफ पे 0 होगा। सब पे पावर 1/1 है तो अल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो लोकल मिनिमाइज की बात कीजिए, लोकल मिनिमा का मतलब माइनस से प्लस और अगेन माइनस से प्लस। मतलब आपको एरिया किसके बिटवीन बताना है, एक्स एक्सिस कर्व और टू ऑर्डिनेट। तो माइनस हाफ से प्लस हाफ के बिटवीन अपन को एरिया कैलकुलेट करना है। देखो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, बस इसका मेन डायग्राम ही है। तो देखो डायग्राम के लिए काम कर सकते हो आप, x स्क्वायर कॉमन ले लो उसमें से। तो क्या आ गए 2x स्क्वायर माइनस के 1। तो इसका भी चलो अपन नंबर लाइन से देख लेते हैं एक बार। x स्क्वायर इनटू इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो √2x माइनस 1 इनटू √2x प्लस 1 √2x प्लस 1। तो ये आपको देखना चाहिए कि जब आप इसके डायग्राम की बात करोगे बेटा, तो ये 0 पे 0 है, 1/√2 पे 0, माइनस के 1/√2 पे 0 है और x की पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मतलब x इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी पे ही दोनों प्लस की तरफ टेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो जब इसके डायग्राम की बात करेंगे बेटा, तो उसका डायग्राम क्या होगा, देखो 0 पे पास करना है, एक 1/√2 पे पास होगा, एक माइनस 1/√2 पे पास होगा। और देखो आप सभी, ये लेट 1/√2 है, ये लेट आपका 0 है, लेट माइनस के 1/√2 है। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 0 पे पावर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे पावर। तो इसका मीनिंग क्या है, 0 से माइनस 1/√2 से 1/√2 के बिटवीन ये वैल्यू नेगेटिव देगा डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये दोनों से पास कराना है, फिर दोबारा डायग्राम को ऐसे लेके आना है और ऊपर बाद में ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा तो ये आ गया और एक पॉइंट ऑफ मिनिमा दिस आ गया। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है कौन सा, दिस पार्ट से और दिस पार्ट के बिटवीन, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम सिमेट्रिक है अबाउट द y एक्सिस, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो जो एरिया है दिस होगा, सेम एरिया दिस होगा। तो सीधा लगना है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 1/2 क्या लिखना है, 0 से 1/2 y dx, ठीक है। तो चलो उसको लिख देते, बाकी इसके गुणा भाग बेटा अपने अकॉर्डिंग देखना। तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से हाफ y dx, और ये y की देखो कितनी सिंपल वैल्यू है, 2x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। आप इजीली इसका डिफरेंशिएशन करें और ओनली लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट को पुट करना है, क्योंकि लोअर को पुट करने पे तो क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो देन इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, कलर चेंज कर दो सर। देखो The area, the second question में क्या कह रहे हैं आपसे, the area bounded by the curves y equals to x e to the power x and y equals to x e to the power minus x and the line x equal to 1। तो पहली बात तो ये कि अपने को curve बनाना है, इसका है ना, curve बनाने के लिए क्या कर रहे हैं अपन ये देख लें कहाँ पर maximum minimum exist कर रहा है और कहाँ पर अपने को roots इसके मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे आसान क्या तरीका है अपना, कि अपन एक काम करें छोटा सा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 से अपने को क्या पता चल जाता है कि ग्राफ कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो तो x equal to 0 रहा होगा, तो x बराबर 0 पर ही आएगा 0, y 0, तो 0 पर 0 आ गया, ठीक है। और अपना आप ये मैं बात करूं, जब x
इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो y किसको टेंड करेगा, इनफिनिटी को टेंड करेगा, तो ग्राफ का जाएगा कुछ इनफिनिटी से इनफिनिटी की वैल्यू तो ऑलवेज इंक्रीज करने वाली, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमेशा, है ना। नीचे अपन बात भी कर सकते हैं नीचे भी, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, लाइन x = 1, ठीक है, तो x = 1 लाइन की एक कर्व ही हो रहा है, चलो बाद में बना लेंगे उसको पहले ना, पहले अपन x e की पावर माइनस का बना लेते हैं। तो ये तो हो गया y = e टू द पावर x * x। अब देखो x / e की पावर x, x / e की पावर x है। अब जो सेकंड ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम, किसका बनाने जा रहे हैं, y = x e टू द पावर - x, दैट इज x / e टू द पावर x। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 हो रही है, तो ग्राफ यहीं से पास करने वाला है। अब दूसरी बात ये देखो आप कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और ऊपर क्या लीनियर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला इसको, और अब हम आगे थोड़ा सा देखें तो x की वैल्यू जब इनफिनिटी को टेंड करेगी तो y किसको टेंड करेगा, 0 को, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है उसके बाद जब x इनफिनिट पे होगा तो y किस पे टेंड कर रहा होगा, 0 को। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके और फिर कहां चला जाएगा, नीचे तक, नीचे मतलब x एक्सिस क्या रहा होगा, को टच कर रहा होगा हल्का सा, ये इनफिनिटी की तरफ टेंड करने वाला, ये हो गया बिल्कुल। तो अच्छा दूसरी बात ये, अब हम क्या देख लेते हैं इसका कि कहां पर ये अपने को लोकल मैक्सिमम आ रहा है इसका, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये dy / dx equals to यहां पे आ जाएगा 1 फर्स्ट इनटू सेकंड, हां प्लस e की पावर माइनस x इनटू x, और ये आ जाएगा माइनस साइन, तो यहां से आ गया e की पावर माइनस x इनटू 1 माइनस x, यानी कि क्या आ रहा है, x equal to 1, x equal to 1 पे क्या है अपने को मैक्सिमम है, x equal to 1 पर क्या है मैक्सिमम। अच्छा अब अपने से थर्ड ग्राफ क्या था, x equal to 1 के लिए, तो x equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा, यही लाइन आ गई सीधे। अब अपने पास तीन ग्राफ कौन कौन से हैं, अब तीन ग्राफ कौन कौन से हैं, एक तो हो गया अपने पास y equal to e x into e to the power x, दूसरा हो गया y equal to x into e to the power minus x, और ये हो गया x equal to 1, ये लाइन होगी x equal to 1। तो इन तीनों से ग्राफ कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ये आ जाएगा सर 0 से 1 अपर रिक्वायर्ड एरिया होगा, तो अपर कर्व 0 से लेकर 1 तक, ए अपर कर्व x e की पावर x माइनस लोअर कर्व x e की पावर माइनस x dx, ठीक है ना। अब इसके सिंपल से इक्वेशन है, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन है, x कॉमन ले सकते हो चाहो तो, e की पावर x प्लस x से माइनस e की पावर माइनस x, कुछ नहीं करना इसमें, i रेट लगा देना इसको, तो लेट करना फर्स्ट फंक्शन और इसको लेट करना सेकंड, तो उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फाइनल। अपन ने इसमें वर्टिकल स्टेप लिया है, या ध्यान रखें ना, x है जी सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x, लिमिट लगा देना 0 टू 1 और माइनस करोगे तो अगेन 0 टू 1, x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा सेम, उसका फिर अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके बाद सिंपल है, उसके बाद करना, ठीक है, मेनली इसका डायग्राम था तो उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to 3 upon mod x and y equal to this part a, इन दोनों कर्वों से बाउंडेड बाय एरिया अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन दोनों के डायग्राम को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं y equal to 3 upon mod x और सेकंड है y equal to 2 minus x minus 2 का mod, क्योंकि mod के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका डायग्राम तो कैसे ड्रॉ करोगे, व्हेन जब x पॉजिटिव लोगे 0 तो होगा नहीं इसमें, तो आ गया y equal to 3 upon x और x negative लोगे तो आ जाएगा y equal to minus 3 upon x। तो ये आपको पता होगा कि x y equal to constant एक rectangular hyperbola, ठीक है, positive में first quadrant में और x negative तो y भी negative तो third quadrant में इसका diagram बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके diagram की बात करते हैं, देखो इसका diagram तो simple है, सबसे पहले क्या करो आप x minus 2 के mode का diagram बनाओ, तो x minus 2 का mode ऐसे होगा, फिर आगे minus आ रहा है तो उसको minus से multiply करोगे तो डायग्राम इनवर्स हो जाएगा इसका। और देखो ये y इक्वल टू x माइनस 2 के मोड का डायग्राम है, तो x को 0 लेने पे y 2 आ रहा है, तो उल्टा करने पे जाएगा 0 पे माइनस 2, ये पॉइंट आपका 2 को 0 है, जब इसमें 2 ऐड करोगे तो ये पॉइंट आपका इधर और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तब ये जो डायग्राम है रफली आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया आपका इस पार्ट का डायग्राम। तो चलो उसको एक बार प्रॉपर वे में ड्रॉ कर देते हैं अपन। अपने जो सेकेंड कर्व है इसका एफजे डायग्राम आ गया बेटा ऐसे, y इक्वल टू
टू माइनस एक्स माइनस टू का मोड, और देखो एक्स वाई इक्वल टू थ्री, ये क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका जब डायग्राम बनाओगे तो वो बेटा डायग्राम बनेगा ऐसे, वाई इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स का, और y इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन एक्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो अपन से पूछेगा कि दोनों से बाउंडेड बाय एरिया, तो दोनों से बाउंडेड बाय एरिया ओनली आपका दिस पार्ट होने वाला है, तो ये इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो क्या करोगे, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, लेट दिस इज अल्फा और ये लेट दिस इज बीटा। अगर ये अल्फा और बीटा पता चल जाएंगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखोगे, a इक्वल टू अल्फा से बीटा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व कौन सा है, दिस पार्ट, तो क्या जाएगा टू माइनस एक्स माइनस टू का मोड, और माइनस लोअर करो तो माइनस ऑफ थ्री अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना dx लगा के, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं। अब इसमें जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो देखो सिंपल है, आप कर सकते हो, आप हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हो, प्रॉपर मेथड से भी देख सकते हो। देखो ये अपन को ये पता है कि ये आपकी टू की लाइन है ना, तो देखो इसमें दिख रहा है मेरे को तो कि x को 1 लोगे ना तो y 3 आ गया, इसमें भी x को 1 लेने पे y आपका 3 आ गया। इक्वेशन इसका मीनिंग इक्वेशन थी मेरे पास, क्या कह रहे हो, इक्वेशन थी अपने पास, गिवन इक्वेशन थी, हां तो उसको सॉल्व कर सकते हो दोनों को, ठीक है। तो सीधा आ गया, ये तो आ गया x को 1 लेने पे y आपका सेम आ गया। देखो क्या करना है इसमें, हां तो ये अल्फा से बीटा आ गया, अब लिमिट के लिए क्या करोगे, देखो x अल्फा को 1 पुट करने पे तो बेटा इससे तो y आ रहा है और इससे y आ रहा थी, मतलब इस तो गलत किया तुमने, तो एक काम करो हिट एंड ट्रायल से बात बनेगी नहीं, इसमें बीटा तो फिर भी आ गया कि x को 3 लेने पे भाई 2 से बड़ा, जैसे मैंने 3 लेके देखा एक बार भाई, ये तो 4 है ना आपका, ये पॉइंट अगर 4,0 2 से 3 के बीच में आने वाला है, आप चाहो तो कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो सीधा है कि जब आप x को 3 पुट करोगे तो 1 आ गया, और ये भी 3 पुट करने पे आपका 1 आ गया, इसमें ये पॉइंट क्या आने वाला, तो उसके लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, कर्व इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो इस कर्व में, तो y की वैल्यू पुट करने पे क्या जाएगा, 3 अपॉन x इक्वल टू 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2, और इधर देखो जिस पॉइंट के लिए x आपका 2 से लेस है, तो जब इसमें x 2 से लेस लोगे तो ये मोड आपका नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सीधा आ गया 3 अपॉन x इक्वल टू x, देन x इक्वल टू हो जाएगा रूट 3, मतलब इसके अकॉर्डिंग x क्या आ गया रूट 3। x को रूट 3 इसमें पुट करोगे तो सीधी लिमिट आ जाएगी रूट 3 से 3, और ये लिख देते हैं 2 माइनस 3 अपॉन x, सुनो क्या किया, तो लिमिट तो क्या जाएगी रूट 3 से 3, 2 माइनस 3 अपॉन x, और ये जो मोड वाला पार्ट है इसके साथ लिमिट अपन सेपरेट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ रूट 3 से 3 x माइनस 2 का मोड dx। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, ये तो सीधा हो जाएगा 2x माइनस 3 log x, लिमिट लगा देना माइनस, इसमें देखो ये 2 पे 0 आ रहा है, तो इसको आपको दो पार्टों में ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो लिखोगे रूट 3 से 2 और एक लिखना 2 से 3, तो देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हां सर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, देखो अपने से बोल रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच एरिया कवर्ड बाय द फिगर y = sin ax, y = 0 और x = y = यहां पर आएगा y equals to x upon a and x equals to ये sorry x equal to दे है ये होगा x equal to pi upon a होना चाहिए शायद, है ना, ये लिखने में pi upon a है, हाँ x equal to pi upon a और x equal to pi upon 3 है, तो चलो फर्क is equal to 3, then अपने को a का वैल्यू इसमें find out करना है, कौन सा positive value, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, देख लो y equal to sin ax, sin ax y equal to 0, x equals to pi upon a, अच्छा y equals to 0 और x को छु पाई बाय 3 है, हां इन सबसे बाउंडेड बाय एरिया निकालना, बाउंडेड एरिया निकालना है, अब वो आएगा 3, देन 5 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, पॉजिटिव वैल्यू, ओके। सबसे पहले देखो क्या करेंगे आप, sin ax का ग्राफ बना लेते हैं अपन, तो sin ax का ग्राफ -1 से 1 के बीच में होगा, और दूसरी बात x = पाई बाय 2 पाई बाय a, x = पाई बाय a का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू है ये कुछ ना कुछ, तो मैंने अच्छा इसको थोड़ा सा करते समय अपन ये देख लेते हैं, एक तो लाइन लेनी है अपने को y = 0 यानी कि x एक्सिस हो गई है y = 0, अच्छा अब ध्यान से आप देखो x upon 3 pi upon 3a और pi upon a, इसमें छोटा कौन रहा होगा, pi by 3 रहा होगा, तो pi by 3 पहले आएगा और pi by a बाद में आएगा, तो मैंने इसको ले लिया x = pi by 3a और ये हो गया x = pi upon a, अब अपने को कौन सा एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, छोटा सा काम करते हैं,
अपन ने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ये कौन सा ग्राफ है अपना, y इक्वल टू साइन ए एक्स। तो देखो वर्टिकल स्ट्रिप लिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, y इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है अपना पाई अपॉन थ्री ए, ये पॉइंट क्या है पाई अपॉन ए, तो क्या हो जाएगी लोअर लिमिट पाई बाई थ्री ए से पाई बाई ए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन सा है साइन ए एक्स, लोअर कर्व तो लोअर कर्व माइनस जीरो, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ही, इंटीग्रेशन ऑफ बोला माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, लिमिट लगा दो पाई बाई थ्री पाई अपॉन पाई अपॉन से पाई बाई, ठीक है सर। हाँ, और इसका जो एरिया होना चाहिए, इसका एरिया शायद 3 बोला उसने। हाँ, तो इसका मोड ले लेते हैं, जैसे कि मोड अभी ले लो, बाद में लेना, ध्यान रखना इस बात का, प्लस माइनस 3, तो देखो मोड ले लेते हैं कोई बात नहीं, तो मोड लगाने पे देखो माइनस 1 अपॉन ए तो प्लस हो गया ना, तो सीधा 1 अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 अपॉन ए का मोड 1 बाई मोड है, लेकिन मोड ही आपका पॉजिटिव होगा, और मोड के अंदर आ गया अपर लिमिट पुट करने पे कॉस पाई माइनस 1 और माइनस माइनस तो ठीक है ना, और पाई बाई थ्री पुट करने पे जाएगा कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 का मोड इक्वल टू 3, तो 3/2 आ गया ना, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 1 आ गया, देन a इक्वल टू 1, तो ये सर करेक्ट होगा आंसर इसके अकॉर्डिंग, तो देखते हैं ऑप्शन है क्या ऐसा, यस सर, तो इसका फर्स्ट आंसर बच्चों करेक्ट सही होगा। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है देखो, कि द एरिया कॉमन टू द एलिप्स डिस्पार्ट एंड डिस्पार्ट वेयर b लाइज बिटवीन 0 टू a इज, तो देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा देखो ये दोनों एलिप्स है, a आपका b से ग्रेटर है, ए अगर बी से ग्रेटर है तो इसके केस में तो एक्स एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस, मतलब जब आप इसके रफली डायग्राम की बात करोगे तो इसका रफली डायग्राम देखो कैसे होगा, फर्स्ट एलिप्स के केस में तो डायग्राम ऐसे होगा जिसमें ये पॉइंट तो है ए कोमा जीरो और ये हो गया जीरो कोमा बी, सर्कुलर चेंज करना, और सेकेंड कर्व में बात करोगे सेकेंड एलिप्स में बी ए से ग्रेटर है, इसका मतलब मेजर एक्सिस कौन सी होगी इस बार, वाई एक्सिस, तो उसके केस में जब इसके डायग्राम की बात करोगे आप, तो इसका डायग्राम बच्चों ऐसे बनने वाला है, ये पॉइंट होगा 0 कोमा बी ए, 0 कोमा ए हो जाएगा, और ये 0 कोमा बी, थोड़ा ध्यान रखना इन बातों को, और ये हो गया अगेन बी कोमा 0, ये दोनों लिस्ट आपने ड्रॉ की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉमन एरिया, कॉमन का मतलब जो दोनों से क्या हो बाउंडेड हुआ है, तो आपको ये अंदर का पोर्शन फाइंड आउट जो दोनों से बाउंडेड है, तो ये जो पोर्शन है आपका क्या दोनों से बाउंड, ये एरिया अपन को क्या करना है, तो देखो इसके लिए क्या करना, सुनो अब इसमें देखो मेन पार्ट क्या है, कि पहली बात तो ये दोनों कर्व ऑल फोर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, क्योंकि x को माइनस एक्स और y को माइनस एक्स पुट करने पे डज नॉट चेंज, तो जब किसी भी कर्व में x को माइनस एक्स और y को माइनस एक्स पुट करने पे डज नॉट चेंज, तो कर्व आर सिमेट्रिक अबाउट ऑल फोर क्वाड्रेंट, तो ये दोनों कर्व चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, इसका मीनिंग जितना एरिया ये होगा उतना ही दिस होगा, उतना ही दिस और उतना ही दिस होगा, एक तो ये बात तो चली। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप पहले क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करोगे, तो इसमें लॉजिकली क्या है कि आपको सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट अगर आप बात करोगे तो देखो इन बोथ कर्व में एक्स को वाई से और बेटा वाई को एक्स से रिप्लेस करने पे डज नॉट चेंज, एक्स को वाई पुट करो और वाई को एक्स पुट करो, तो बोथ कर्व डज नॉट चेंज, इसका मीनिंग ये जो दोनों कर्व है बेटा वो वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, इसका मीनिंग ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये सिंपल y equal to x की लाइन से क्या होगा, पास होगा, बस यही मेन स्टेप है, y equal to x लिखो या y equal to minus x, ये भी दोनों y equal to minus x के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, तो चलो अपन इसको करते हैं एक बार ट्राई, डायग्राम को थोड़ा केयरफुली ड्रॉ कर देते हैं, देखो सर अब स्केल कैलकुलेशन करनी है इसमें अपन को, बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन, फर्स्ट एलिप्स तो आपने ऐसे ड्रॉ किया, सेकेंड एलिप्स आप ऐसे ड्रॉ करोगे बेटा, और ये आपको मैंने बोल ही दिया कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लाइज ऑन दी y इक्वल टू x, तो सिंपल अब ये भी हो गया इसमें कि ये y इक्वल टू x के ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, तो जितना एरिया दिस होगा उतना एरिया दिस होगा, मतलब ये टाइम्स रिक्वायर्ड एरिया आपका 8 टाइम्स ऑफ दिस एरिया हो जाएगा, इसका एरिया दिस एरिया के 8 टाइम्स करना अपन को, तो लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ जीरो से लेट इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेट करो अल्फा, तो लिख देते हैं जीरो से अल्फा अपर कर्व माइनस सॉरी
जीरो से अल्फा में तो ये आपके लाइन का एरिया होगा, तो जीरो से अल्फा वाई डी एक्स प्लस अल्फा से ये पॉइंट होगा बी कोमा जीरो, हाँ, तो अल्फा से बी दिस कर्व, और ये कर्व कौन सा था अपना देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपको इससे y dx चाहिए, तो y dx के लिए क्या करोगे, चलो लिख देते हैं एक बार y dx, बाद में वैल्यू पुट कर देना आराम से, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया आ गया, तो क्या जाएगा देखो, 8 टाइम्स ऑफ 0 से अल्फा y की वैल्यू तो क्या होगी x dx, ये तो आ गया x dx प्लस अल्फा से b, इससे y की वैल्यू क्या करोगे, इसको उधर शिफ्ट करना पहले और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो और रूट लोगे तो क्या जाएगा a अपॉन b, अब गुणा आ गया वो आप करोगे अपने अकॉर्डिंग रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस, हां b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो देखो एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया जो अपन को फार्मूला याद होना चाहिए, तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, तो इसका रिक्वायर्ड एरिया आ गया 8 टाइम्स ऑफ ये तो आ गया x स्क्वायर बाय 2 और x को अल्फा पुट करने पे क्या जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस इसमें क्या करना है देखो a अपॉन b, हाँ रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला x बाई टू एजिटिज प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन वर्स x अपॉन बस a की जगह b लिखना है ठीक है सर, तो क्या जाएगा x अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एजिटिज x स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन b साइन इनवर्स x अपॉन b, और एक काम करो इसमें लिमिट भी लगानी है अपन को कंप्लीट एक्शन लगा, हां ना अल्फा से भी वो तो लिमिट तो जीरो सर्कल लगा, ये तो हो गया इसका डायग्राम फिनिश, ये आ गया अल्फा से भी, तो चलो इस लिमिट को और पुट करके दिखा देता हूं मैं आपको, तो आ गया 8 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब देखो पहले अपर लिमिट बी पुट करते हैं, तो अपर लिमिट जब बी पुट करोगे तो बी स्क्वायर जीरो थी तो जीरो के हटाओ और इसमें पुट करोगे तो क्या जाएगा b अपॉन b1 और sin इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2, ये आ गया बेटा a by 2 ब्रैकेट ये तो जीरो हटाओ तो b स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 दिस इज पाई बाय 2 ठीक है चलो, फिर लिखोगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे अल्फा, तो अल्फा पुट करने पे क्या जाएगा अल्फा बाय 2 अंडर रूट रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स अल्फा अपॉन, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया, अब इसमें आपको सब पे अल्फा की वैल्यू को पुट करना है, और देखो अल्फा की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये आपकी y इक्वल टू x की लाइन है तो ये पॉइंट क्या होगा अल्फा कॉमा अल्फा हो गया ना, बोलो आए ना, और अल्फा कॉमा अल्फा लाइज ऑन दी बोथ इलिप्स, तो अपन एक काम करते हैं किसी में भी x और y दोनों को क्या पुट कर सकते हैं अल्फा कॉमा अल्फा, तो जब x और y को अल्फा कॉमा अल्फा पुट करोगे तो क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन a प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या जाएगा बोलो अल्फा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देन जब आप अल्फा स्क्वायर कॉमन लोगे तो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो देन इससे बच्चों अल्फा आ गया ab अपॉन √ a स्क्वायर b स्क्वायर, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अब इसके बाद देखो क्या करना है, अभी गुणा भाग आप करोगे आराम से इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देना इस जगह पुट करना, तो इधर से देखो सब कुछ सेट हो गया ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है मेरे को, एक अल्फा की वैल्यू इधर पुट कर देना आप और इसमें भी पुट कर देना आप, अल्फा की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो इसमें पाई बाई टू वाली टर्म तो सारी क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, ओनली ये साइन इनवर्स वाली टर्म बचने वाली है, और इसको पुट करने के बाद जो आंसर है वो आपका आएगा साइन इनवर्स की टर्म में, बट ऑप्शन गिवन है टेन इनवर्स की टर्म में, तो आप क्या करना साइन इनवर्स समथिंग को थीटा लेट करोगे तो टेन थीटा में कन्वर्ट करोगे तो आपको एनी वन ऑप्शन मैच कर जाएगा ठीक है, तो जब आप इसके गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर आने वाला है थर्ड ऑप्शन 4ab tan inverse a अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये गुणा भाग आप बेटा घर पे ट्राई करोगे, चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है आपसे द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y = x x = e y = 1 / x पॉजिटिव
y equal to 1 upon x, of positive x axis, y equal to 0. अब देखो, सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाओगे क्या करोगे? सबसे पहले मैं कर बनाऊंगा 1 upon x का, rectangular hyperbola का. तो अपने पता है 1 comma 1 satisfy करेगा, है ना? तो ये 1 comma 1 होगा जो इसका points होगा. और y equal to x की लाइन ऐसे बना दो. ठीक है और y equal to x की लाइन आ जाएगी अपनी ये. Yes, sir. और x equal to e बोले तो ये. तो e 1 से बड़ा है. e क्या 1 से बड़ा है तो अपने को ये होगा e comma और 1 upon e. और x axis. और ये point हो जाएगा अपना x axis e वाली होगी अपनी. y equal to 0. तो ध्यान से देखो तो अपने को curve area कौन सा निकालना है? ये वाला. चारों से bounded है. हाँ एक ये वाला बस. ये नहीं निकालना है अपने को, ठीक है ना? एक y equal to x. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू 0. अब ये एरिया निकालने के लिए अपन क्या करें? दो बातें हैं. या तो मैं क्या करूं, मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं और एरिया क्या हो गया, दो पार्ट में हो गया, फर्स्ट और ये सेकंड. दोनों में अपन क्या करें, वर्टिकल स्टेप ले लें. तो ऐसे कर लेते हैं ना, तो क्या हो गया, सी सीधे इक्वेट एरिया इक्वल पॉइंट निकाल लेते हैं. y इक्वल टू x 1 कॉमन आ जाएगा. तो ये 1 कॉमन आ गया, y इक्वल टू x रखते ही वहां पर, तो बस हो गए सारे खत्म. फेल पहले इधर ट्रायंगल का एरिया लिख दो ना, 0 से ये 1. हाँ, तो ये हो गया हाफ बेस इनटू ऐड कर दो उसको सीधा. फर्स्ट हां फर्स्ट का एरिया सीधे लिखते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 1 into 1. तो ये आ गया हाफ यूनिट स्क्वायर मीटर्स. सेकंड का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, देखो यहां हाफ हो गया प्लस बचा हुआ एरिया आ गया 1 से लेकर e तक. अपर कर्व 1 / x. अपर कर्व कौन सा है अपना, y = 1 / x माइनस लोअर कर्व 0 dx. तो क्या हो जाएगा, ये ln x और लिमिट आ जाएगी 1 से e. आ गया हाफ चल रहा है मस्त ln e 1. तो ये हो जाएगा अपना ln e माइनस ln 1, ln e की वैल्यू 1. तो कुल मिला के आंसर आ गया अपना 3/2. ये आ गया अपना आंसर. तो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका. चलो कलर चेंज कर दो इसका. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. हां देखो क्या है, gx फंक्शन गिवन है आपको cos x स्क्वायर, fx गिवन है √x. तो इसमें fx √x है तो स्टार्टिंग में लिख दो कि x आपका गणितीय जीरो होना चाहिए, ठीक है? चलो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक की रूट है और अल्फा बीटा से लेस है, देन एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व y इक्वल टू g ऑफ fx. तो g ऑफ fx क्या होगा, g के अंदर fx पुट करना है, तो fx की जगह पुट करोगे √x, तो x आ गया ना, मतलब g ऑफ fx सिंपल आ गया, cos x आ गया. ये लो y इक्वल टू cos x आ गया, x पॉजिटिव है ये पता है मेरे को. और देखो अब करना क्या है, सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, क्योंकि उसने एरिया क्या पूछा है, y इक्वल टू cos x का अल्फा से बीटा के बिटवीन x एक्सिस से बाउंड बाय एरिया अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो देखो चलो इसका रफली डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं अपन इजीली. तो y इक्वल टू cos x का डायग्राम तो ऐसे बनाते हैं जनरली, बट सबसे पहले देखो कि अल्फा बीटा कहां लाई करने वाले. तो देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें अल्फा प्लस बीटा तो सर कितना है, 9π/2 आ गया सिंपल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा π² / 8. अब एक काम करना सबसे सिंपल है, इसके फैक्टर भी हो जाएंगे वैसे तो, ये 18 पाई है ना, 6 × 18 कर दो सिंपल. तो 6 × 18 करोगे तो इसके फैक्टर करने पे सीधे इसके रूट आ जाएंगे π/6 and π/3. कहेंगे बोलो π/6 and π/3. अल्फा छोटा है तो अल्फा तो आ गया π/6 और बीटा आ गया π/3. लोग क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया बेटा. तो एक रूट तो आ गया π/6 और एक रूट आ गया π/3. तो ये आ गया, तो सिंपल सी बात है, y इक्वल टू cos x, x इक्वल टू π/6 और x equal to π/3. तो इनके बिटवीन एरिया कौन सा हो गया ना, तो क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू दिस से दिस y dx. तो रिक्वायर्ड एरिया लिख दोगे a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 cos x into dx. जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन इज sin x और लिमिट लगा देना π/6 से π/3. तो π/3 पुट करने पे तो √3 - 1/2 - 1/2. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा, √3 - 1/2, थर्ड ऑप्शन आ गया. और क्या, चलो सर उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, दी इफ दी एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4λx एंड द लाइन y = λx, लैम्डा पॉजिटिव और लैम्डा अपना ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा उसका. दूसरा क्या देखा है, 1/9. तो करते हैं इससे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर y² = है अपने पास 4λx एंड द अदर कर्व इज y = λx. तो अपने को कह रहा है कि अच्छा λ > 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, λ > 0 है ना, ये ध्यान रखना है अपने को.
तो करते हैं, तो सबसे पहली बात तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 लैम्डा x, तो पैराबोला बन गया, पैराबोला बन गया प्यारा से एकदम ये, और y इक्वल टू लैम्डा x एक लाइन है हैविंग पॉजिटिव स्लोप, हां या ये मान लिया है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, लैम्डा x रखेंगे तो लैम्डा x का x इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 0, लैम्डा कैंसिल, दैट इज सीधा x आ गया 4 अपॉन लैम्डा, हां 4 अपॉन लैम्डा जाएगा इससे, 4 अपॉन लैम्डा जाएगा x, चाहिए बस मेरे को तो बाकी तो ठीक है जो भी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, चाहिए वो x में, तो क्या हो जाएगा अपना एरिया रिकॉर्ड एरिया ये हो जाएगा, तो वर्टिकल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से 4 अपॉन लैम्डा अपर कर माइनस लोअर, अपर कर माइनस लोअर कर, अपर कर अपना रूट 4 लैम्डा x, हां अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा x माइनस लैम्डा x y इक्वल्स टू लैम्डा x, बस इसको कर दो dx, इसको निपटा देते हैं, क्या हो जाएगा इसी इसलिए एक बार सॉरी दोबारा फोर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल डी एक्स, तो इसको निपटा देते हैं, क्या कर रहे हैं अपन सी सी सबसे पहले फोर लैम्डा, तो कौन ये तो टू कॉन्स्टेंट है तो टू रूट लैम्डा आ गया एक्स, रूट एक्स क्या होगा एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री, टू बाई थ्री आगे माइनस लैम्डा x square by 2 और लिमिट लगा देते हैं और लिमिट लगा देते हैं 0 से 4 upon lambda, यस सर, तो यहां पे हो जाएगा मेरे ख्याल से ये तो पहले 4 4 बटे 3 हो जाएगा, 4 बटे 3 आ गया, 4 बटे 3 रूट लैम्डा है जी, और 4 upon lambda की पावर 3 बटे 2, आधा पहले फुल ले लो 4 upon lambda, तो आ गया 4 upon lambda और आधा लेने पे जाएगा 2 upon root lambda, सीधे गुणा वहां बिल्कुल माइनस ये पुट करो तो क्या आ गया सर lambda by 2 into 4 upon 16 upon lambda square, यस सर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू है अपना एरिया दे रखा है अपने को 1/9 है शायद 1/9 यस सर, तो देखो ये से भाग गया 4 8 16 अपॉन 3 लैम्डा माइनस ये 8 आ गया लैम्डा से लैम्डा चला गया 8 अपॉन लैम्डा लैम्डा इज 1/9 कर लो एलसीएम ले लो सीधा 3 लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको या 9 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो जैसे ही आप 9 लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे 48 तो 48 आ गया माइनस 72 माइनस 72 इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा तो लैम्डा कितना जाएगा 48 48 बेहतर 24 आ गया लेकिन लैम्डा पॉजिटिव है तो इसमें एरिया तो अपन को मोड लगाना था क्योंकि वेरिएबल आ रहा है ना तो मोड लगाओगे तो लैम्डा जाएगा 24 तो फर्स्ट आंसर है ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ क्वेश्चन नंबर देखो 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square equal to y हां x square equal to minus y तो देखो क्या करना है सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट कर्व है y equal to x square अगला है y equal to minus x square और नेक्स्ट है बच्चों y square equal to 4x minus 3 तो देखो चलो पहले इनके डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं फटाफट से तो देखो y equal to x square का डायग्राम तो क्या होगा अपवर्ड पैराबोला ऐसे और y equal to minus x square का डायग्राम क्या होगा डाउनवर्ड पैराबोला अब जो ये पैराबोला है आपका ये क्या y square equal to 4x की फॉर्मेट में जिसका वर्टेक्स क्या होगा 3/4 मतलब ये डायग्राम तो ऐसे बनने वाला है बट आप ये देखो कि अपर कर्व और लोअर कर्व को किस पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करता है काम करते हैं पहले फर्स्ट को थर्ड के साथ अपन सॉल्व करते हैं तो काम करो जब आप इसमें y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो देखो बेटा इसमें x को 1 पुट करने पे क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है उसके बाद जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे ना एक बार और सेटिस्फाई अगेन x की वैल्यू 1 आने वाली है और बाकी बोथ रूट्स आर इमेजिनरी इसका मीनिंग ये ओनली x इक्वल टू 1 पे इसको टच करेगा क्योंकि अगर x equal to 1 पे आप कट कराओगे ना तो फिर इस डायग्राम को दोबारा इनफाइनिट की तरफ आना पड़ेगा ठीक है तो ओनली इसका एक ही रूट है तो ये ओनली x equal to 1 पे इसको क्या करेगा टच करने वाला है तो चलो अपन इसको इस पॉइंट पे टच करा देंगे x equal to 1 पे सिमिलरली जो y equal to minus x square लोगे फिर भी डायग्राम सेम होगा क्योंकि माइनस x square अगेन x square 4 आ गया मतलब ये भी डायग्राम इस पॉइंट पे क्या करेगा इसको टच करेगा दोनों डायग्राम आपकी सिमेट्रिक है बेटा ये बन गया एग्जैक्ट डायग्राम तो आपको तीनों से बाउंड बाय एरिया फाइंड आउट करना है तो तीनों से बाउंडेड बाय एरिया ये हो गया ना नीचे वाला और ऊपर वाला और दोनों डायग्राम सिमेट्रिक है तो अपर और लोअर एरिया दोनों सेम होंगे तो सीधा लिख देना रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
जीरो से दिस है और ये क्या एक्स इक्वल टू वन है आपका, तो इसमें एक या एक काम करते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबल लेते हैं ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीधा इसमें एक इंटीग्रल लगाना पड़ेगा मेरे को, तो उसको ऐसे करो ज्यादा बेटर है। रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो से फर्स्ट कर, तो एक्स को वन पुट करोगे आप तो वाई भी आपका वन आ रहा है और ये हो जाएगा एक्स डी वाई, अपर करो माइनस लोअर करो, लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो से वन, अपर कर्व कौन सा होगा रूट ऑफ 4x-3 ये वाला अपर कर्व मतलब उधर वाला राइट, तो इससे x आ गया y स्क्वायर प्लस 3/4 y स्क्वायर प्लस 3/4 यस सर, माइनस लोअर कर्व कौन सा होगा लेफ्ट ये वाला, तो इससे x की वैल्यू क्या होगी √y √y, तो माइनस ऑफ √y इनटू dy dy, देखो कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन है, चाहो तो 1/4 बाहर ले देना या सीधा इसको जब इंटीग्रेट करोगे आप तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, तो एरिया जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ, देखो इसका क्या होगा वाई क्यूब, एक काम करो 1/4 को तो बाहर कर देते हैं अपन, तो आ गया वाई क्यूब बाय 3 प्लस 3y प्लस 3y प्लस 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको बाहर रखो माइनस रूट वाई का वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये जाएगा सर 2/3 वाई की पावर 3/2 और लिमिट है 0 से 1, तो लोअर लिमिट पे तो सारा जीरो हो गया, हटाओ तो ओनली अपर लिमिट पुट करोगे तो ए आ गया ट्वाइस ऑफ 1/4, अपर लिमिट वन लो तो 1/3 + 3 = 9, 10/3 आ गया सर, देख रहे गलती नहीं जल्दी से -2/3, तो देन इसको जब फर्दर सोल्व करोगे आप तो देखो क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया, देख लेते हैं ए इक्वल टू 2/12 ट्वाइस ऑफ, देखो 4 कैंसिल तो 5/6 2 से कैंसिल -2/3, जैसे ही आप इसका 6 एलसीएम लोगे तो क्या आ गया देखो 6 एलसीएम आ गया, 5 - 4 = 1, तो देन रिक्वायर्ड एरिया इज 1/3, तो 1/3 इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा, तो है क्या ऐसा ऑप्शन, हाँ है ना थर्ड ऑप्शन, तो उसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बस यही मेन स्टेप थी कि ये इसको टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर देखो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने से, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, अगला देखो 1 लेस देन वाई ग्रेटर देन 1 एंड वाई लेस देन एक्स स्क्वायर, यस सर ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करें तीनों का ग्राफ बना लेते हैं अलग से है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो क्या तरीका होता है सिंपली अपन क्या इक्वलिटी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद इनइक्वलिटी चेक कर लेंगे कौन सा वाला एरिया चाहिए अपने को, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहले की तरह, तो पॉइंट क्या है सर 2√2, 2√2 से पास करेगा ये, इधर भी माइनस में किया जाएगा -√2, -√2। अब हम करते हैं वाई, अच्छा एरिया कौन सा लेंगे अपन, तो देखो इसको ओरिजिन को पुट करके देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 0, 0 पुट करोगे 0 < 8 यस ट्रू, तो अपने को ये इन बिटवीन जो एरिया है दोनों इसके इन बिटवीन जो एरिया है अंदर वाला एरिया लेना है, वाई ग्रेटर देन 1 में क्या होगा ये जो पॉइंट है ये क्या है 2√2, 2√2 है अपना है ना 2√2, 2√2, तो वाई ग्रेटर देन 1 वाई 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया 1 कहीं यहां रहा होगा, ये हो गया वाई इक्वल्स टू 1 इसके ऊपर वाला एरिया हो गया, इसके ऊपर वाला एरिया हो गया ये वाला, लास्ट अपना क्या है वाई लेस देन एक्स स्क्वायर, तो वाई लेस देन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया y equal to x square, तो कौन सा वाला आ जाएगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ये आ गया अपना, अब तो अब हमसे क्या कह रहा है अच्छा y less than x square है, तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कोई पॉइंट ले लो आप कोई पॉइंट, मैं ले लेता हूं यहां पर पॉइंट ले लेता हूं 0.5, तो 0.5 रखोगे तो अब 0.5 तो क्या करेगा सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनइक्वलिटी आ गई फॉल्स, तो एरिया कौन सा होगा इसके जस्ट रिवर्स वाला दूसरी साइड वाला, तो यानी कि जो एरिया आ रहा है वो एरिया आएगा ये वाला, ये वाला एरिया आ जाएगा, देखो ये जो कर्व है ना इसके तो नीचे वाला एरिया लेना है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की नीचे वाला एरिया लेना, मतलब इसका तो बाहर वाला इसके अंदर वाला ये इधर, हाँ ये इधर ये नीचे और लाइन के ऊपर का, तो तीनों से बाउंड्री एरिया आ गया दिस पार्ट, ये वाला एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया अपन को बताना है, तो देखो पहले तो ये पॉइंट देखना सर, ये पॉइंट कितना आ रहा है वाई को वन लेने पे एक्स इक्वल टू वन आ गया, ये तो वन आ गया आपका ठीक है, और ये पॉइंट फाइंड आउट करोगे आप तो ये क्या होगा वाई को वन लेने पे एक्स वाई इक्वल टू तो 8 आ गया, और 8 आने के बाद इन दोनों कर्वों का इंटरसेक्शन पॉइंट और देख लो आप, नहीं
हाँ इंटरसेप्ट बन लेंगे ज्यादा बेटर है। टू वैसे तो वो आएगा अपना टू रूट टू ना 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 नीचे आएगा कम आएगा आपको ये देखना है ना काम हाँ तो यार टू आ गया ना एक्स वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वाई को एक्स पर पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा टू आ गया ना तो उस पर टू लिख दो आप थ्री पॉइंट आ जाएगा टू कॉमा सीधा टू लिखना आपको तो बस तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन वन से टू देखो वन से टू में अपर कर माइनस लोअर कर विच वाई इक्वल टू वन तो अपर कर्व से y की वैल्यू क्या होगी रूट एक्स माइनस वन ठीक है सर प्लस टू से एट अगेन अपर कर्व कौन सा इस बार रेक्टेंगुलर हाइपोटेन्यूज़ रिक्वायर्ड एरिया होगा तो सिंपल है इसका इंटीग्रेशन करना इसका तो क्या होगा टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स लिमिट लगा देना वन से टू ठीक है सर बिल्कुल और प्लस क्या होगा बोलो 8 ln x माइनस x और 2 से 8 जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो देखो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा तो इसके कैलकुलेशन आप करना तो आपको आंसर मिल जाएगा और आंसर लॉ की टर्म में आएगा ठीक है। हां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो कि द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड any tangent to the curve is part is constant क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का कि एक कर्व गिवन है आपको नॉर्मल कुछ ही मान लो उस कर्व को अपन ऐसे रफली बना लेते ये कर्व है इस कर्व के एनी पॉइंट p x1 एक वेरिएबल पॉइंट लेट की x1 कॉमा y1 इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ की बेटा टेंजेंट तो इस टेंजेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया है वो क्या बोला गया कांस्टेंट तो बताओ a की वैल्यूज क्या हो सकती है तो एक काम करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया क्या हो जैसे लेट ये ओ है ये पॉइंट ए है ये लेट पॉइंट तो ट्रायंगल के एरिया क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट मतलब आपको पॉइंट ए और बी को फाइंड आउट करना पड़ेगा और पॉइंट ए और बी के लिए क्या करोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स1 कॉमा वाई1 और कर्व अगर गिवन है तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा डी ओ बाय डी एक्स एट पॉइंट पी तो एक काम करते हैं इस एक्स की पावर ए को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो बेटा तो सीधा आगे फंक्शन वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर है एक्स की पावर माइनस ए तो देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y1 इक्वल टू या y डैश इक्वल टू लैम्डा की पावर a माइनस a का तो माइनस a को आगे लोगे तो क्या आ गया थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं dy dx इक्वल टू माइनस a लैम्डा की पावर है x की पावर a माइनस ठीक है तो देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y इक्वेशन ऑफ tangent at point P तो point P पे equation of tangent क्या होगी देखो y minus y1 equal to minus a lambda की power a x की power minus a minus 1 और bracket में बेटा x of x minus x1 उसके बाद क्या करो तो ठीक है ना तो ये आ गया अब अपन को OA की value चाहिए तो OA की length के लिए क्या करो तो put करो उसमें y को 0 तो बच्चों जो y को 0 पुट करोगे देखो y को 0 मानने पे इस वाले पार्ट को जिसके डिवाइड में ले आओ ना तो सीधा इससे आ जाएगा x equal to x1 plus y1 upon a lambda की पावर a x की पावर minus a minus 1 अब लिख दिया मैंने समझाने के लिए और एक काम करो पॉइंट x1 comma y1 lies on the curve तो सीधा जब इसमें पुट करोगे ना तो क्या गया x1 a y1 equal to lambda की पावर है तो then y1 आ गया बेटा lambda की पावर x1 की पावर minus a तो जब आप इस वैल्यू को इस y1 की जगह पुट करोगे ना तो देखो a कैंसिल हो गया सॉरी lambda की पावर a कैंसिल और x पावर 1 की पावर minus a कैंसिल तो सिंपल क्या जाएगा ये x1 upon a आ जाएगा क्या आ गया x1 upon a आ जाएगा और x1 आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो तो देन oa लेंथ आपके पास क्या आने वाली है देखो x1 common और 1 plus 1 by a ये आ गया OA similarly OB के लिए क्या करोगे put करो बच्चों x equal to 0 x equal to 0 तो x को 0 put करने पे length of OB is तो देखो चलो अपन x को 0 put करते हैं इधर तो y1 उधर जाके plus का हो गया और देखो x को 0 put करने पे minus minus plus ये आप एक काम करना सीधा x में लिख देना इसको तो put करने पे क्या आ गया plus a lambda की पावर a बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है तो क्या गया x की पावर x1 की पावर माइनस और देखो दिस इज अगेन y1
तो वाई वन कॉमन लोगे तो क्या आ गया वन प्लस ए, ये आपके पास ओ ए और ओ बी की लेंथ पता है, तो देन ट्राइंगल का एरिया हाफ ओ ए डॉट ओ बी, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ गया एक्स वन वाई वन, ये देखो ए प्लस वन अपॉन ए है, तो दिस इज ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए, और अभी देखो इसमें एक्स वन वाई वन टू वेरिएबल है, तो आप सिंगल वेरिएबल में फाइंड आउट करो पहले, आफ्टर दैट क्या करना है इस एरिया को करना कांस्टेंट, तो एक काम करते हैं y1 की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे ना तो क्या आ गया एरिया हां 1 by 2 लैम्डा टू द पावर, तो देखो लैम्डा की पावर है, और अगेन जब y1 की वैल्यू पुट करोगे ना ये दिस पार्ट, तो बेस इक्वल टू पावर को ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x1 की पावर -1 माइनस a, और ये आ गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a। अब ये आने अब ये आपका एरिया आ गया डेल्टा, और ये जो एरिया है अभी ये वेरिएबल एरिया है क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन x1, ये x1 पे डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे पॉइंट को वेरी करोगे एरिया की वैल्यू चेंज होगी, बट क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया है x1 को यहां से कि एरिया इज ए कांस्टेंट x1, अब देखो एरिया कांस्टेंट होने के लिए अपन को इस x1 को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब a की वैल्यू इस 1 माइनस a को जीरो करना है, एक तो आ जाएगा a इक्वल टू 1 या फिर अब इसने देखो एरिया कांस्टेंट बोला ना, तो अपन इस a को माइनस में मानोगे ना तो एरिया जीरो आ गया, ये भी कांस्टेंट है ठीक है ना, वैसे एरिया जीरो लेते नहीं है बट इसने बोला कि एरिया इज कांस्टेंट, तो अपन a को अगर माइनस वन कंसीडर करोगे तो देन ये डेल्टा जीरो आ गया, तो ये डेल्टा का एक कांस्टेंट वैल्यू है ठीक है ना, तो देन इसका वन और माइनस वन करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शंस कौन से होंगे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसके बच्चों करेक्ट होंगे ठीक है। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में देखो, द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द एरिया ऑफ फिगर बाउंडेड बाय द कर्व y = 8x2 - x^2 5 डिस्टेट लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू c एंड द x एक्सिस, अपने को एरिया गिवन है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो क्या करेंगे देखो सबसे पहले मैं यहां पे एक बार लिख लेता हूं इसको y इक्वल टू 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 5, बाकी ये मेरे पास x इक्वल टू 1 x इक्वल टू c और x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0, एरिया 16 बटे 3, एरिया अपना 16 बाय 3। अब ये लो स्पेस बना लेते हैं, हां अब स्पेस ले लेते हैं, चलो शुरू करते हैं, तो अपन देखो सबसे पहले तो क्या हो गया कि जब भी एरिया का क्वेश्चन आता है तो अपने को ग्राफ से बनाना ही पड़ता है जिसकी हेल्प से अपन एरिया फाइंड करते हैं, तो सबसे पहला मैं काम करता हूं इसको देखो, सबसे पहले आप देखो तो ये फंक्शन क्या बन रहा है मेरा x2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस x टू द पावर 3, और यू कैन राइट x2 into 2 minus x into 4 plus x2 minus bq का फार्मूला इसमें सर अप्लाई कर दिया अपन, ये अप्लाई हो गया अपना aq minus bq दैट इज a minus b into a square plus ab, ये हो गया। अब आ जाओ आगे, अब सर ग्राफ कैसा रहा होगा तो एक काम करना आप f dash x भी निकाल लो इसके साथ में, तो f dash x निकालोगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा कहां पे फंक्शन डेरिवेटिव यानी कि स्लोप बढ़ रहा है कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, तो अच्छा इसमें लेकिन क्या है आप डायरेक्ट भी देख सकते हो क्या कि एक तो x अपना y कहां कहां पर जीरो रहा है, जीरो पर एक टू पर, एक जीरो पर और एक टू पर, और ये तो क्या होगा नॉन नेगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका d नेगेटिव है, और ये देखो टू पे जीरो है ये जीरो पे, x के आगे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस क्योंकि तो प्लस हो जाएगा इवन है, उसका मतलब क्या है कि माइनस इनफिनिटी से 2 में तो इसका डायग्राम होगा अपवर्ड पैराबोला, हां लेकिन बट ये 0 पे क्या होगा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट देगा मतलब कर्वेचर इसका चेंज होगा, हां बस बस सिंपल, और ये जो वैल्यू आएगी ना जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप इसकी जरूरत भी नहीं है अपन, हां तो वो 16 / 3 के हां निकाल सकते हैं वो आ जाएगी, तो एरिया क्यों लग ही आएगा x = 1 से ये 0 है ये 2 है, हां अब अपने को जो एरिया निकालना ना वो निकालना है इस कर्व एक ये y x x एक्सिस y = 0 एक अपना x = 1 और एक x = c, हां अब इसमें ये बात आती है कि सर x = c यहीं लेना है अंदर या फिर वो 2 से बड़ा भी होगा, तो क्या होगा जब आप एरिया निकालोगे कहां से कहां तक x = 1 से x = 2 तक, तो जो एरिया आएगा ना ये वाला अपना ये वाला एरिया जो आएगा ये वाला दो लाइन खींच दी मैंने ना, तो ये जो एरिया आएगा वो एरिया 16/3 से ज्यादा आएगा, तो जो c है वो क्या होगा लेस देन 2 ही लेना पड़ेगा आपको ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दोबारा से कहां पर नोट किया जाए अपन यहां पर, तो अपने को एरिया कौन कौन सा निकालना है पता है आपको, एरिया निकालना है आपको ये वाला x = 1 से c, x = 1 से लेकर x = c तक 1 से c और y की y dx 8x^-5 - 16y = 3 ठीक है, अब कुछ नहीं है जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इधर x क्यूब आने वाला है इधर x की पावर 6, तो जब आप c को पुट करोगे तो एक काम करना c क्यूब को सीधा
टीलेट कर देना, तो देन ये टी में क्या बनेगी क्वार्टिक, तो टी की टू वैल्यूज मिलेंगी, और टी की जब सारी वैल्यूज को पुट करोगे ना तो इससे सी की आपको चार वैल्यू मिलती है। एक तो सी आता है सर माइनस वन, एक सी आने वाला अपना जो उसने सेकंड ऑप्शन में गिवन है ना, ये वन एट माइनस दिस पार्ट, एक सी इसमें बेटा टू से ग्रेटर आता है इसमें, क्या था सत्रह के आसपास आएगा वो देख लेना, तो वो possible तो होगा क्या उसमें कि सी को जब आप क्या लेते हो 17, तो इसका मतलब जो अपन को पता है कि 1 से 2 के बीच में जो एरिया है वो 16 अपॉन 3 से सर क्या ग्रेटर है, है। इसका मतलब ये ले नहीं सकते, मतलब इसमें क्वेश्चन में कंडीशन है कि सी आपका 2 से छोटा ही लेस होगा। और माइनस 1 क्यों ले सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 1 को उधर माने और x इक्वल टू c को उधर माने तो हाँ ये दो एरियाज का समेशन अपना 16 अपॉन 3 हो सकता है, हो सकता है सही है सर। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके गुणा करोगे तो आपको एक तो फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा और एक सेकंड ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है सर बिल्कुल सर। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच फॉलोइंग वैल्यू ऑफ m, मतलब m की वैल्यू बतानी जिसके लिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस पार्ट एंड द लाइन y इक्वल टू mx इज 9y। देखो क्या करना है, एक तो कर्व गिवन है y इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर और नेक्स्ट कर्व है y इक्वल टू mx, सर कलर चेंज करना है। तो देखो कैसे करना है अपन को, x माइनस x स्क्वायर इसका डायग्राम तो क्या होगा डाउनवर्ड पैराबोला, ये 0 और 1 पे 0 देगा बिल्कुल, ये तो रफली डायग्राम का इसका बन गया पैराबोला, एग्जैक्टली बन गया रफली क्या। और y इक्वल टू mx की लाइन है तो उसमें देखो कुछ भी कंडीशन लेट करो आप, स्लोप पॉजिटिव मानो तो डायग्राम को ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो तो वो नीचे कट कर जाएगा, ठीक है कहीं भी लो डायग्राम को, अगर नेगेटिव स्लोप लोगे तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा बिल्कुल। तो करना कैसे, अभी तो अपन एक काम करते हैं जनरल केस अराइज कर लेते हैं कि लेट ये y इक्वल टू mx की लाइन है बिल्कुल, तो देन आपको इन दोनों से बाउंडेड बाय एरिया बताना, तो एरिया ये होगा, तो क्या लिखोगे 0 से दिस इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा, तो 0 से अल्फा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आपको गिवन है सर 9/2, तो लिखते थे कि 0 से अल्फा अपर कर्व कौन सा होगा पैराबोला x माइनस x स्क्वायर माइनस लोअर कर्व mx dx, और अपन को पता है एरिया है तो मोड लगाओगे और मोड को जो रूम करोगे तो क्या जाएगा प्लस माइनस 9/2 बिल्कुल, ठीक है। तो अब आपको सोचो अगर इस लाइन को आप नेगेटिव स्लोप की लोगे तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा ना, फिर भी रिक्वायर्ड एरिया क्या लगोगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब ये जो लाइन है ये हमेशा लोअर कर्व ही होगी बिल्कुल, तो मोड लगाने से सारा कुछ ऑटोमेटिक सेट है कि वो प्लस स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा। अब कुछ नहीं है इसका, आप इंटीग्रेशन कर देना और चाहो तो पहले अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो दोनों कर्वों को सॉल्व करके, तो चलो अपन दोनों कर्वों को सॉल्व कर देते हैं, इधर कर लो सर आप mx equals to x minus x square, तो ये आ जाएगा आपका x square plus m minus 1 into x, तो एक तो x 0 आ गया, एक तो x 0 आ जाएगा और दूसरा x आ जाएगा आपका 1 minus m, yes sir, मतलब सीधा x equal to अल्फा क्या आ गया 1 minus, इसको पुट कर लेंगे, अब अपन देखो सीधा क्या कर देते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या जाएगा x square by 2 x square by 2 minus, एक काम कर सकते हो, एक काम करो 1 minus m, सीधा 1 minus m common लेके जब आप x का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आ गया बच्चों x square by 2 minus x cube by 3 लिमिट लगाओगे 0 से 1 minus m equal to plus minus 9/2, और अब आप इसके बाद थोड़ा देखो गौर से देखो लोअर लिमिट 0 पुट करने पे तो दोनों 0 है तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, अपर लिमिट जब 1 minus m पुट करोगे देखो क्या आ गया 1 minus m का स्क्वायर into 1 minus m 1 minus m cube by 2 और इधर आ गया माइनस 1 माइनस m क्यूब बाय से क्यूब, हां दोनों पे क्यूब सेम है तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना 1/6 हो गया, तो ये 1 माइनस m क्यूब कॉमन तो 1/2 माइनस 1/3 क्या आ गया 1/6, मतलब सिंपल ही आ गया 1/1 माइनस m का अपॉन 6 क्यूब अपॉन 6 6 इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। ये लेने के बाद देखो कुछ नहीं करना, 6 को भेजा तो 3 आ गया 27 आ गया, मतलब 1 माइनस m का क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। हाँ अभी तो चलो मैं एक बार 27 ले देता हूँ, और जब आप प्लस माइनस लोगे तो प्लस माइनस पे दोबारा प्लस माइनस ऑलरेडी है तो कोई जरूरत नहीं है अपन को प्लस माइनस, तो एक बार तो लेना टेकिंग प्लस, तो टेकिंग प्लस लोगे तो क्या आ गया सर 2 माइनस 2, टेकिंग प्लस में तो आ गया माइनस 2, और जब टेकिंग माइनस लोगे एम क्या जाएगा माइनस 4 माइनस के सॉरी प्लस के 4 प्लस के 4 आ जाएगा, ठीक है ना, तो एम की 2 वैल्यू दूंगी माइनस 2 एंड 4। तो देखो आपको सबको समझ में आया होगा m अगर 4 है मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो डायग्राम ऐसे कट करेगा ये बिल्कुल, और माइनस 2 आ रहा है तो स्लोप ये मतलब दोनों लाइन पे बताइए कैसे कट करेगा, ठीक है। हां इसमें ये कि जब m को 4 लोगे ना
तो 4 लेने पे देखो इसका इंटरसेक्शन कौन किया गया, माइनस दिया गया, इसका मतलब ये फिर डायग्राम की शेप ऐसे होगी, ये समझ सकते हो ज्योमेट्रिकली, ये ऐसे कट करेगा फिर, क्योंकि x नेगेटिव आ रहा है ना, हां ये क्योंकि ये लाइन ऊपर से जाएगी, ठीक है, तो तीन पॉजिटिव हो सकती है, ये भी हो सकती है पॉजिटिव, ये भी हो सकती है, और ये लाइन आपकी ऐसे भी बन सकती है, ठीक है ना। तो हर केस में अपर कर्व ऑलवेज आपका पैराबोला रहेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, और क्या, तो इसके ऑप्शंस क्या है सर अपने, 4 एंड माइनस 2, सेकंड और 4 इसका ऑप्शन बेटा करेक्ट, सही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = e टू द पावर x एंड द लाइंस x = 0 एंड y = e, यस देखते हैं। सबसे पहले y = e की पावर x ग्राफ बनेगा अपना, कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है पता है, तो y = e की पावर x आ गया। नेक्स्ट x = 0 यानी कि y एक्सिस हो गया, एंड द थर्ड वन इज y = e, तो y = e ऊपर आएगा कहीं, ये हो गया। तो अपने को क्या निकालना है, दिस ई वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो या वर्टिकल। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, यानी कि ई वाली स्ट्रिप ले ली मैंने। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये पॉइंट था अपना 0, 1, और ये था अपना पॉइंट 0, 0, e। तो अपना इंटीग्रेशन हो गया 1 से लेकर e तक, राइट माइनस लेफ्ट कर, तो राइट कर अपना e टू द पावर x, तो यहां से आ जाएगा ln y आ जाएगा, ln y log लेना है इसका ना, ln y कुछ भी आ जाएगा ln ऑफ e into x, तो x = आ गया ln y, तो ये हो गया ln y। माइनस लेफ्ट कर क्या होगा, x = 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो dy, तो यहां से आ गया, आ गया आपका एरिया आ गया a, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये आ गया। आपको पता है ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x - x, हां याद रखना है बिल्कुल, ln x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज करें आप, x ln x - x, आईलिड से कर सकते हो बट याद होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है ना। क्या आ गया आंसर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देना, आराम से हो जाएगा, e ln e - e माइनस जब 1 रखेंगे तो 0 log, और ये आ गया, ये तो कट गया e से e, बिकॉज़ ln e इज 1, तो क्या बचेगा 1, तो एरिया आ गया इसका 1। और देखो ऑप्शन इसने किस फॉर्मेट में दिए, नॉर्मल एक तो ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल एक तो आंसर अपने सामने ही है। और क्या करो, इसमें वो प्रॉपर्टी 4 है ना कि x रिप्लेस y a + b - या y रिप्लेस y a + b - y, बिल्कुल, तो ये रिप्लेस करने पे आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, है ना, तो 1 + e - y हो जाएगा, हां तो ये वाली सेकंड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। और देखो इसको ऐसे देख लो आप, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि एरिया ही बना रहा है, इसका सीधा जब इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x, हां 0 से 1, और अगेन पुट करने पे ये बना गया, इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, बिल्कुल सीधे एरिया के, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, जब चार ऑप्शन देखे ना डेफिनेट में, तो आप चेक कर लो, गिवन है क्वेश्चन में मोर देन वन का क्वेश्चन, तो आपको चेक करना बनवाइए। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्वेश्चन है। If the line x equal to alpha divides the area of the region of this part into two equal parts, then alpha satisfies which option? ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है सर। बिल्कुल। देखो इसमें क्या करने जा रहा हूँ, बस इस कर्व पे ध्यान दो, ये कर्व और इन दोनों से बाउंड बाय एरिया अपन को फाइंड करना है। देखो क्या चीज है, पहला तो है x cube less than equal to y, और इसको सेपरेट करो तो आ गया y less than equal to x, और अगला तो है x आपका 0 to 1, इन ऑल थ्री से बाउंड बाय एरिया आपको इक्वल करना है कि वो x इक्वल टू अल्फा इसको इक्वल पार्ट में क्या करता है डिवाइड। तो देखो कैसे करना है, पहले आप इक्वल की बात करो, तो y इक्वल टू x को डायग्राम में तुमको सिंपल है, ये आ गया y इक्वल टू x क्यूब का डायग्राम u, और अब देखो उसमें लेना क्या है, x क्यूब लेस देन y, मतलब y x क्यूब से ग्रेटर है, तो देखो बहुत सिंपल ऑप्शन है, इधर तो पॉइंट होगा 0, 1, इधर पॉइंट होगा 1, 0, तो एक काम करो पुट करके देख लो, अगर 0, 1 करेगा सेटिस्फाई है तो ये वाला अपर रीजन होगा, और ये करेगा तो लोअर रीजन। तो देखो जब x को 0 y को 1 पुट करोगे तो उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, मतलब इसके तो ऊपर वाला रीजन लेना अपन, y जिसमें ग्रेटर है x से, हाँ ऊपर वाला रीजन, और अगला है y equal to x की लाइन, पता है y equal to x की लाइन इसको दो पॉइंट पे कट करेगी ऐसे ही, 1 और माइनस 1 पे, इसमें कौन सा लेना है, इसका ही बेटर ऑप्शन है। इसमें आप एक काम करो, जब x को 1 मतलब ये पॉइंट पुट करोगे 1, 0, देखो y less than equal to x, y less than x को क्या करता है सेटिस्फाई, इसका मतलब लाइन के नीचे वाला पोर्शन लेना है, तो क्या आ गया, इनके बीच वाला पोर्शन आ गया ना, ठीक है ना। तो चलो इसका प्रॉपर डायग्राम अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये y equal to x को डायग्राम है और ये y equal to x की लाइन है आपकी, ठीक है। तो ये करने से अपना जो रिक्वायर्ड एरिया वो कौन सा होगा, दिस पार्ट, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,
ये जीरो है ही अपने पास, तो ये तो डायग्राम है वाई इक्वल टू एक्स का और ये डायग्राम है वाई इक्वल टू एक्स क्यू का। अब अपन को क्या बोला गया कि जो एरिया है इसको x इक्वल टू अल्फा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जा रहा होगा इसके बीच में से x इक्वल टू अल्फा, तो ये क्वेश्चन में फिक्स हो गया कि जो अल्फा है ना 100% 0 से 1 के बिटवीन लाई करने वाला है, क्यों सर? बिल्कुल। तो अपन क्या करते हैं, एरिया कर देते हैं 0 से अल्फा डबल कर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व तो कौन है x लाइन और माइनस लोअर कर्व x क्यूब dx इज इक्वल टू अल्फा से 1 अगेन अपर कर माइनस कर, तो ये तो सेम ही आएगा ना, तो देन अपन इसको क्या करते हैं आगे फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेट करो तो क्या जाएगा x स्क्वायर वाई टू माइनस x फोर वाई फोर, अल्फा पुट करो जीरो पे तो जीरो हो गया तो हटाओ तो सीधा आ गया अल्फा स्क्वायर वाई टू माइनस अल्फा की पावर फोर अपन फोर, ठीक है सर? बिल्कुल सर। इक्वल टू इसमें भी क्या करना है, वन पुट करो तो क्या जाएगा वन वाई टू माइनस वन वाई फोर इज अगेन वन वाई फोर और माइनस ये जब अल्फा पुट करोगे तो ना सेम ही वैल्यू आने वाली है, इधर आके ट्वाइस हो जाएगी आपकी, लिख देते हैं कोई बात नहीं, अल्फा स्क्वायर वाई टू माइनस अल्फा फोर वाई फोर, इसको इधर लागू किया गया ट्वाइस मतलब टू से मल्टीप्लाई करके लिख दो उसको तो क्या जाएगा टू कट जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा फोर वाई टू इक्वल टू वन बाई फोर, फोर से मल्टीप्लाई करो तो फोर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गया फोर अल्फा की पावर माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन, ये इस रिलेशन को क्या करने वाला है सेटिस्फाई। तो देखो ऐसा कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल, एक तो आंसर आ गया फर्स्ट, फर्स्ट आ गया तो सेकंड आ नहीं सकता। अब आपको ये और देखना है कि जो अल्फा वो वन बाई टू से वन होगा या जीरो से हाफ होगा, मतलब किसके बिटवीन हो सकता है, तो इसको चेक करने का देखो बेटर ऑप्शन क्या है, या तो ग्राफ से चेक इसको कुछ नहीं, इसको एक फंक्शन लेट कर दो f ऑफ अल्फा, बहुत सिंपल है, इसको फंक्शन लेट की f ऑफ अल्फा, एक काम करो जब इसमें अल्फा को जीरो पुट करोगे तो वन आ गया ना, और अल्फा को वन बाई टू पुट करोगे तो देखो क्या रहा है फटाफट से, वन बाई टू की वन बाई सिक्सटीन तो वन बाई एट आ गया, ये वन बाई टू आ गया, ये प्लस वन आ गया, इसका मतलब ये कितना आ गया देखो 8 कॉमन ले लेते ना, तो 8 कॉमन लेने पे जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 8 इज 5 बाई 8 आ गया, और एक बार 1 पुट करोगे आप एक अल्फा को तो अल्फा को 1 लेने पे क्या रहा है माइनस 1 आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 और हाफ पे तो दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो एक साइड होंगे ना, और अरे आपने रॉस थ्योरम सबने पढ़ी है कि f ऑफ हाफ और f ऑफ रॉस थ्योरम बोल रहा है LMBT थ्योरम, f ऑफ हाफ और f ऑफ 1 की रेस्पेक्ट में वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है ये पढ़ा है ना अपन ने, f ऑफ x1 * f ऑफ x2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब 100% fx का x1 से x2 के बीच में एक रूट लाई करेगा आया हुआ, इसका मतलब जो अल्फा है वो 100% कहां से का लाई करेगा 1/2 से 1 के बीच में लाई करने वाला होगा, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपको टिक करना है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, y तो कुल मिला के अपने को एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद जो भी आएगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, तो p और q को अपने को देखना है बस, ठीक है, p माइनस q निकालने के लिए करते हैं, तो सबसे पहले जो दो ग्राफ है वो है अपने पास y equals to x square plus 2 and y equals to 2 mod x minus cos pi x, बस इतना लिख लेते हैं बस, अब शुरू करते हैं अपन, देखो सबसे पहले तो बात आती है कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका तो ग्राफ दिख रहा है अपने को y equal to x square के ऊपर की तरफ खुला हुआ, इसको बनाओ पहले तो, एक करते हैं, तो देखो चलो पहले इसको बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 mod x, तो सबसे पहले क्या करें अपन, ओपन कर लें थोड़ा सा इसको, y equals to, चलो y dash निकाल लो, तो y dash क्या आ जाएगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई x into पाई, ये आ गया इसमें x, अब जैसा कि मैं दिख पा रहा हूं x पॉजिटिव है तो हाँ 2 mod x 2 हो जाएगा, हाँ और नेगेटिव होगा तब भी वो नेगेटिव की जरूरत नहीं इसमें क्योंकि सारी फंक्शन इवन है ना, तो जैसा एरिया उधर होगा वैसा ही उधर होगा, हां तो डबल कर लेंगे सीसी में, बिल्कुल ऐसा ही बच जाएगा, हां
तो अपना क्या हो गया पाई साइन पाई एक्स। अब एक काम करते हैं, देखो आप ध्यान से इसकी रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन साइन की, तो इंटू पाई करोगे माइनस पाई से पाई, तो ये आ जाएगी माइनस पाई से प्लस पाई, और प्लस में क्या हो रहा है इसमें टू हो रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव में भी जाएगा और इसका मतलब पॉजिटिव में भी जाएगा। तो देखो इंटीरियर डिक्रीज करेगा। तो अब मैं ये देख लेता हूँ बस छोटा सा काम कि x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, जीरो पे वैल्यू आ रही है इसकी वन माइनस माइनस वन आई है, x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आ रही है इसकी वन पर आएगी इसकी वैल्यू थ्री आ रही है, तो वन पर आ रही है इसकी वैल्यू थ्री, और माइनस वन पे भी क्या आएगी इसकी वैल्यू थ्री आएगी, उसको रन दो। अब देखो सबसे पहले क्या करें अपन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मतलब जीरो से वैल्यू ऐसे जाएगी, और उसके बाद क्या होगा जैसे ही ये क्रॉस करेगा किसको इंटरवल, यहाँ पर जो वैल्यू माइनस टू होगी उसको क्रॉस करते ही क्या होगा ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया एफ डेस एक्स नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो वन जहां पर टच करेगा अपना वन पे जहां वैल्यू इसकी थ्री आएगी उसके बाद क्या होगी वैल्यू कम होगी और फिर दोबारा से बढ़ जाएगी, तो कुछ फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा ऐसा बनेगा, हाँ वन इधर आएगा वन यहाँ आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इसकी वो क्या होगी वन होगी, मैक्सिमम वैल्यू वन पे होगी, वन पे थ्री होगा, वन पर थ्री होगी। तो अब इधर आ जाओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें भी क्या है मेरे को पता है पैराबोला है और पैराबोला कहाँ शिफ्ट हो गया है टू पर, मतलब कितने यूनिट ऊपर चला गया टू पर, तो अपन कह सकते हैं जो फंक्शन टू जीरो कॉमा टू वाई की वैल्यू नहीं y की वैल्यू आएगी इसमें देना सही जीरो जीरो कॉमा टू, तो जीरो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या हो गया वाई की वैल्यू टू आ गई, तो ग्राफ क्या होगा ऐसा बनेगा, और वन पे आपका थ्री आ रहा है तो ये आ गया, फिर दोबारा क्या करेगा इंक्रीज करता जाएगा है ना, दोनों के दोनों जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेंगे, क्यों क्योंकि देखो तो आपको ना वैसे होता क्या है कि जैसे ये ऐसा ग्राफ है तो उसमें आप क्या करो जो पॉइंट्स है ना वो लेके देख लो स्टैंडर्ड पॉइंट्स, जैसे कि जीरो ले लिया प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, ये कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप लेके देखोगे, या फिर यहाँ पे प्लस माइनस हाफ भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना, तो वन पे क्या रही वैल्यू इसकी भी थ्री आ रही है इसकी थ्री आ रही है, इसका मेरे को पता चल गया टच करेगा प्लस माइनस वन दोनों पर, तो क्या हो गया अपने को जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है अपने को ये वाला एरिया निकालना है पूरा, ठीक है ना, तो आपको साफ दिख रहा है कि फंक्शन इवन है तो क्या हो जाएगा इसका डबल कर दूं सीधे में, तो आप देखो तो इसको मैं सीधा ट्वाइस ऑफ जीरो से वन अपर कर माइनस लोअर कर, तो अपर कर तो कौन सा पैराबोला, पैराबोला माइनस लोअर कर क्या जाएगा माइनस एक्स टू एक्स प्लस प्लस हो जाएगा कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स डीएक्स। अब कुछ नहीं करना इसको, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे और अपर और लोअर लिमिट क्या करोगे पुट करोगे ना, तो देखो ये तो बनेगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, तो जीरो वन पे साइन पाई जीरो बन जाएगा, ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करने पे कुछ नहीं है ये आ जाएगा एट अपॉन फाइव, बस ये आ जाएगा आपका, तो ये पी अपॉन क्यू एट बाई थ्री एट अपॉन थ्री सॉरी, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में आ गए, कुछ नहीं गुणा भाग करना है आपको बिल्कुल, तो देन पी माइनस टू का डिफरेंस क्या जाएगा फाइव आंसर फाइव आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया बिटवीन द कर्व ऑफ दिस पार्ट एंड इट्स एसिम्प्टोट इच के पाई तो देन न्यूमेरिकल वैल्यू ओके, तो देखो सिंपल है ये जो कर्व है इसको देखो सिंपल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पता है कि ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो डायग्राम केवल पॉजिटिव एक्स पे ड्रॉ होने वाला है, मतलब अब ऑफ दी एक्स एक्स देखो कैसे ड्रॉ करोगे आप डीवाईडीएस कर सकते हो बट जरूरत नहीं इसमें, देखो एक खुद सोचो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज जीरो से ग्रेटर होगी, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वन अपॉन इंक्रीज ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑलवेज, तो देखो जीरो पे तो वन आ गए उसके बाद ऑलवेज डिक्रीज करेगा और इन्फिनिटी पुट करोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो की तरफ टेंड करने वाला है, मतलब इसका जो डायग्राम है वो ऐसे जाने वाला है और जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट होगा क्योंकि ये फंक्शन है इवन है, ये लो बन गया। तो क्या पूछा गया है इसकी एसिम्प्टोट तो कौन है एक्स एक्सिस, तो इससे बाउंडेड बाय एरिया ये हो जाएगा आपका, और अगर ये बाउंडेड बाय एरिया है आपका तो क्या करोगे बोलो, ये दोनों तरफ एरिया सेम है क्योंकि ये इवन फंक्शन है, सीधा रिक्वायर्ड एरिया ले दो ए इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, सर ट्वाइस लगा था ना जीरो से इन्फिनिट और ये जाएगा ट्वाइस, हाँ तो क्या आएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू, तो पाई आ गया आंसर, और क्या इसका एरिया क्या जाएगा पाई एरिया आ गया, तो एरिया आ गया कैंसिल आउट हो जाएगा टू, तो हाँ तो पाई एरिया आ गया, तो के कितना हो गया के की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वन फिल करनी है वन आ जाएगी। चलो सर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 और ये टू टू थोड़ा आगे होगा और थ्री पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये टेंजेंट जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी,
तो अपने को जो एरिया निकालना है अपने को वो निकालना है ये वाला टेंजेंट पैराबोला और एक्सिस से बाउंडेड बाय एरिया। हां तो अपन क्या कर लें, इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट में कौन है अपने पास पैराबोला और पैराबोला की एक्स की वैल्यू क्या आएगी वहां से निकालोगे तो वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस लेफ्ट कर्व कौन है अपना टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी आपको। टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल लेते हैं, बताऊं इसका डी वाई डी क्या जाएगा, देखो मैं बताता हूं सर। इस पार्ट y डैश इक्वल टू 1 और पॉइंट पुट करना है x को तो 2 और y को 3, तो y को 3 पुट करने पे स्लोप आ जाएगा y 1 / 1/2 हो जाएगा स्लोप, और स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - y 1 इक्वल टू 1/2 1/2 * x - 2 2। तो अपन को x की वैल्यू चाहिए ना, हां तो क्या जाएगा देखो 2y 6 - 6 तो - 4 आ गया, 2y - 4 आ जाएगी। हां तो यहां आ जाएगा 2y - 4 + 4 हो जाएगा। हां ठीक 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 है, तो ये हो गया dy। जैसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे लिमिट लगा लिमिट आएगी 0 से 3, हां क्योंकि पॉइंट क्या है 2, 3, लिमिट आएगी आपकी 0 से 3 एरिया फाइंड आउट किया इधर वाला। हां y की लिमिट 0 से 3 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से ना, ये तो क्लिक कीजिए ये y स्क्वायर आ जाएगा, कर देता हूं चलो लास्ट क्वेश्चन y स्क्वायर और -4y - 2y तो माइनस का 6y हो जाएगा और प्लस का 4 और प्लस का 4 तो प्लस का 8 हो जाएगा dy, तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सीधे ऐसे ही कर दो ना x - a की स्क्वायर का इंटीग्रेशन y - 2 की पावर 3 / 3 x की पावर हां सीधे ऐसे कर सकते हैं प्लस y - 2y का y स्क्वायर और अगेन प्लस 4 का प्लस 4y, कुछ नहीं अब तो गुणा भाग करना है और जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ना तो सॉल्व करने पे ये 9 आएगा 0 नहीं, तो आपको उसका आंसर आएगा 0 9 9 आंसर फिल करना। ठीक है चलो उसके बाद अपन अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू।